हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आईज मेकअप ट्यूटोरियल है आज का, और ये कट क्रीज आई मेकअप लुक आज मैंने कैरी किया है। आप अगर आपको ये लुक पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिएगा। और इस आई मेकअप को हम 5 मिनट में कैरी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कंसीलर लूँगी, आप पे कोई सा भी कंसीलर हो आप उसे ये कैरी कर सकते हैं। और इसे मैं ब्रश की हेल्प से अपने आई पे लगा लूँगी। आप पे अगर थिक फाउंडेशन है तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए कंसीलर। से ब्लेंड करते हुए लगाएंगे हम इसे। अब मैं इसके बाद पाउडर से ही क्रायलॉन के पाउडर से सेट कर दूंगी। आपके पास जो कोई पाउडर हो आप उसे अपना ये फाउंडेशन कंसीलर सेट कर सकते हैं। अब मैं इमारस का आई शेडो पैलेट लूंगी। आपके पास कोई सा भी आई शेडो पैलेट हो उसमें से आप पिंक टू पर्पल कलर मिक्स करके मैं ये लगाऊंगी। आई कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे हम, और हमने जो ब्रश लिया है ये फ्लैट ब्रश है, आप देखिएगा। अब मैं ये डार्क पर्पल कलर लेके और बीच की आईलिड पे इसे अप्लाई करूँगी, ताकि जो मेरा कलर है वो आई शेडो का उभर के आ सके, डार्क लग सके। अब मैं ये कंसीलर लूँगी और इससे आई का जो बीच का एरिया है उसे कट करूँगी, कट क्रीज। हमें बहुत ही मतलब हल्के हाथ से इसे कट करना है। आईज को क्लोज करके ही कट करें, ताकि जो कंसीलर है आपका ऊपर की साइड में अप्लाई ना हो। फ्लावर का जेल आईलाइनर लूंगी, ये म्यूजिक फ्लावर का है। और हमें इस बिल्कुल थिन करके लगाना है, और ध्यान रहे कि ऊपर की साइड अप्लाई ना हो, तो आईज को क्लोज करके ही हमें इसे अप्लाई करना है। और बिल्कुल हल्का ही अप्लाई करना है, पहले हमें सिर्फ शेप चाहिए अभी फिलहाल, तो हम इसे बिल्कुल थिन करके ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम कट क्रीज कर रहे हैं इस टाइम, तो इसलिए हमें बिल्कुल बारीक से ही इसे अप्लाई करना है शेप की वजह से। और इसे फिर हम अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा फिल कर देंगे। आईज क्लोज करके ही हम इसे अप्लाई करेंगे, ताकि ये ऊपर की साइड ना लगे। अब इसके बाद हम वही पिक करेंगे शेड जो हमने ऊपर आईलिड पे लगाए थे, पर्पल टू पिंक शेड हमें अप्लाई करना है नीचे भी। राइट कॉर्नर पर अब ये हम ब्लैक आई शेड लेंगे,
इसे डार्क करेंगे और इसमें पिंक वाले कलर में ब्लेंड करेंगे अच्छे से, ताकि दोनों मिक्स मैच हो सके। अब मैं ये सिल्वर आई शेड लूँगी लिक्विड वाला, तो हम इसे कट क्रीज में अप्लाई करेंगे ब्रश से ही। ये देखिएगा, बिल्कुल हमें बारीक बारीक थिन करके ही इसे अप्लाई करना है क्रीज एरिया में जो हमने छोड़ा था। और हमें बिल्कुल ये देखिएगा, हमें अपनी आईज़ को क्लोज़ ही रखना है तब तक ये सूखे नहीं। 1 मिनट हमें अपनी आईज़ को इसे लगाने के बाद क्लोज़ रखना है, ताकि ये ऊपर की साइड हमारे अप्लाई ना हो जाए। अब मैं ये फाल्स लैशेस मैंने अप्लाई कर लिए हैं। इसके बाद मैं ये MN का लाइनर लगाऊंगी, ये लिक्विड लाइनर है, और हम फाल्स लैशेस के ऊपर से अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हमने ग्लू लगाया है वो ताकि ना चमके। और थोड़ा थिन सा ही अप्लाई करेंगे हम। अब मैं ये म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर नीचे अप्लाई कर रही हूँ एज ए काजल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो मेकअप से रिलेटिव, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।